नमस्कार मरम छात्र छात्री मोर यूट्यूब चेनेल एडुकेटाम तुम लोग स्वागत जानसो आज भिडिओटित क्लास सिक्सर हिंदी पल्लव भगवानर जी 16 नम्बर लेसन आए खेल और सेहत सीटते आलोचना करम आशा करूँ भिडिओटे तुम लोग उपकृत करिडिओटि आरम्भ करूँ। खेल और सेहत, खेल और निजर स्वास्थ्य। कौन ऐसा बच्चा होगा जिसका मन खेलने के लिए ना मचलता हो? कौन एनेकुआ शिशु आसे बा कौन एनेकुआ लरा छोवाली आसे जार खेलिबोले मन ने जाय? खेलने का आनंद ही अनोखा है। खेलर जे आनंद हेया माने कटुपुआ ना जाय हे आनंद। खेल हमारा मनोरंजन करता है, खेले आमाक मनोरंजन दिए। इसके अलावा ये हमारे मन को तरोताजा भी करता है। इयार बाहिरेओ इ आमार मन तो सतेज करि तुले। ये हमारे शरीर में स्फूर्ति और उल्लास भर देता है। इ आमार शरीरत आमार मनत फूर्ति और उल्लास भरा दिए। खेलने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है, खेलिले आमार स्वास्थ्यो भले थके। अपने आसपास किसी को खेलते हुए देखकर हमारा मन भी खेलने के लिए मचलने लगता है। ऊसरत कुनबाई खेलि थका देखिले आमारो खेलिबोले मन जाय। नेक्स्ट पेराग्राफ। कुछ बच्चे पूरा दिन टीवी के सामने बैठकर अपना समय और सेहत खराब करते हैं। किसुमान सरु लरा छोवाली पूरा दिन गुटे दिन टीवी के सामने बैठकर टीवीर सन्मुखत बहि अपना समय निजर समय और सेहत और स्वास्थ्य खराब करते हैं, नष्ट करे। टीवी देखना बुरी बात नहीं है, टीवी चुनाव बेहद कथा नहय, लेकिन ज्यादा टीवी देखना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। लेकिन किंतु ज्यादा टीवी देखना बेसी टीवी चुनाव हमारी सेहत के लिए आमार स्वास्थ्यर कारण नुकसानदायक है, अपकारी। ज्यादा टीवी देखने के कारण हमारी आँखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। ज़्यादा टीवी देखने के कारण बेसिको टीवी चले हमारी आँखों की रोशनी आमार चकुर दृष्टिशक्ति कमजोर हो जाती है, दुर्बल हो जाए। छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को सरु सरु लरा छोवाली बिलाकक की लगाबलगिया है, चश्मा दिबलगिया है। इससे हमें काफ़ी परेशानी होती है और इयार फलत आमी बहुत असुविधार सम्मुखीन हबलगिया है। नेक्स्ट पेराग्राफ तो सबा। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन के साथ खेलना भी जरूरी है। हमारे शरीर को आमार शरीरटुक स्वस्थ रखने के लिए सुस्थ करि राखिबोलै संतुलित भोजन के साथ आमार जितु संतुलित भोजन माने जितु आमी खाब लागे देहर कारणे उपकारी जितु हेल्दी बस्तु आछे हेतु लगते खेलना भी जरूरी है, खेलाओ आवश्यकीय। इसके लिए हम अपनी पसंद का कोई भी खेल खेल सकते हैं। इसके लिए इयार कारणे हम अपनी पसंद का आमी आमार पसंद मते कोई भी खेल जिकुनो खेले खेल सकते हैं, खेलिबो पारो। जैसे उदाहरणस्वरूपे केटामान खेलर नाम दि दिसे कि दिसे क्रिकेट, फुटबल, बैडमिंटन, दौड़ लगाना आदि। तुम लोग कमेंट बक्सत लिखिवासुन तुम लोग कि खेल खेली भल पा कमेन्टत लिखिबा कौन तो खेल खेली तुम लोग भल लगे। क्रिकेट भल पा ने फुटबल, बैडमिंटन, दौड़ भल पा ने किसान जीवन आम इनडोर गेम आज भरते खेला लुडो कैरम कि भल पा तुम लोग कमेन्ट बक्सत लिखी मूल जनाबा। नियमित रूप से खेलने से हमारे अंदर जोश और उल्लास भर जाता है। नियमित रूप से नियमित भावे खेलने से खेलिले हमारे अंदर आमार शरीरर भितरत जोश और उल्लास भर जाता है। आमार शरीरत की है शक्ति आरु उत्साह वृद्धि है। यह खेल की ही देन है जो मनोरंजन के साथ साथ हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है। ये तो खेले करिबो पारे कि करिबो पारे ई कि करिबो पारे मनोरंजन के साथ साथ आमाक मनोरंजन दियार उपरियो आमाक फूर्ति दियार उपरियो कि करिबो पारे हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है। आमार शरीर तो कि करि राखे सुस्थ करि राखे ये तो खेलरे दान है जिये मनोरंजनर लगते आमार शरीर तो कि करि राखिबो पारे सुस्थ करि राखिबो पारे। नेक्स्ट पेराग्राफ तो सबा। आजकल विशेषकर शहरों में रहने वाले बच्चे खेल का मतलब केवल कंप्यूटर या वीडियो गेम समझने लगे हैं। आजिकल विशेषकर विशेषको शहरों में रहने वाले बच्चे जीवन लड़ा छोवाली डांगर शहर थके नगर थके खेल का मतलब खेल अर्थ केवल मात्र कंप्यूटर या वीडियो गेम समझने लगे है। खेल अर्थ खेल बुली कोले कंप्यूटर जीवन खेल आसे सभी और वीडियो गेम बुलिए बुझि लय। समय मिलते ही वे हाथों में रिमोट लेकर कंप्यूटर या टीवी के सामने बैठ जाते हैं।
समय मिलते ही समय पाले वे हाथों में रिमोट हाथों रिमोट लेकर कंप्यूटर या टीवी के सामने बैठ जाते हैं। हाथों रिमोट लो कंप्यूटर बा टीवी सम्मुख बहि जाए। यह बहुत बुरी बात है, एटू एक बड़े ब्या कथा। बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी यह बात मानते हैं कि जो व्यक्ति रोज खेलते हैं खेलते और सैर करते हैं उन्हें कोई बीमारी आसानी से नहीं पकड़ सकती। डांगर डांगर डॉक्टर और वैज्ञानिक भी और वैज्ञानिक सकले यह बात मानते हैं। एक कथा तो माने तेवलुके मानि लय जे जो व्यक्ति जिबिलाक मानुहे रोज खेलते हैं सदा खेले और सैर करते हैं और सदा कि करे खोज काढ़े उन्हें कोई बीमारी आसानी से नहीं पकड़ सकती। तेवलुक कोनो बेमारे सोनकाले नापाय। माने डांगर डांगर डॉक्टर और वैज्ञानिक बिलाके कय जे जिबिलाक व्यक्ति नियमित भावे बा सदा खेले और खोज काढ़े तेवलुकर जिकोनो माने बेमार सोनकाले नहय। जिस तरह पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है उसी तरह खेलना भी हमारे लिए ज़रूरी है। जिस तरह जनेक पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है पढ़ा तो आमार कारण ज़रूरी आवश्यक उसी तरह ठीक तेनेक खेलना भी हमारे लिए ज़रूरी है खेलाओ आमार कारण ज़रूरी बा आवश्यक। अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी तभी हम कोई भी काम ठीक तरह से कर सकेंगे। अगर हमारी सेहत जो हमारा स्वास्थ्य अच्छी रहेगी भले रखे तभी हम कोई भी काम तीन जिकोनो काम ठीक तरह से भलदरे कर सकेंगे पारिम। कोई भी काम चाहे वह शारीरिक हो या दिमागी बिना अच्छी सेहत के हम ठीक तरह से नहीं कर सकते। कोई भी काम जिकोनो काम न हो क्य चाहे वह शारीरिक हो या दिमागी हेतु शारीरिके होक बा मानसिके होक दिमागी माने जितु आमी ब्रेनर पर भाव लगे हेनेकुआ काम कामे होक बिना अच्छी सेहत के हम ठीक तरह से नहीं कर सकते। भल स्वास्थ्य अबिहने आमी भलको करिब नोवारो। आओ आज हम सभी यह संकल्प ले कि जिस तरह हम रोज स्कूल जाते हैं उसी तरह हम रोज मैदान में खेलने भी जाया करेंगे। आओ आहा आज हम संकल्प लेते हैं आज हमें संकल्प लूँ जे जिस तरह जेने कोई हम रोज स्कूल जाते हैं आमी सदा स्कूल ले जाऊँ उसी तरह हम रोज मैदान में भी खेलने भी जाया करेंगे। उसी तरह हेने कोई आमी सदा खेल पथारत खेल जाम। खेल हमारी सेहत और मनोरंजन दोनों का ख्याल रखता है। खेले हमारी सेहत आमार स्वास्थ्य और मनोरंजन दोनों का ख्याल रखता है। ये दुटारे खेले कि करे आमार जत्न लय खेले आमार मनोरंजन और स्वास्थ्य दुटारे जत्न लय। इसलिए हमें खेल को जीवन का अंग बना लेना चाहिए। इसलिए हे कारणे हमें आमी कि करिब लगे खेल को खेलक जीवन का अंग जीवन अंग बना लेना चाहिए बना लब लगे हे कारणे आमी खेलक जीवन अंग बना लब लगे। এইটো পাঠৰ পৰা তোমালোকে কি বুজি পাইছা যে আমি কি কৰিব লাগে আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবৰ বাবে সদায় খেলিব লাগে। ডাঙৰ ডাঙৰ ডাক্তৰ আৰু বিজ্ঞানীবিলাকেও কি কথা বিশ্বাস কৰে যে যিবিলাক ব্যক্তিয়ে সদায় খেলে সদায় খোজকাঢ়ে সেইবিলাক ব্যক্তি সোনকালে বেমাৰ নহয় আৰু যেতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম পঢ়াটো মনোযোগ দিব পাৰিম। গতিকে তোমালোকে কেৱল আজিকালিতো আৰু কি হৈছে মোবাইলত খেল খেলে মোবাইলৰ ভিডিঅ' গেম খেলে বা বেলেগ যিবিলাক মোবাইলৰ গেম আছে সেইবিলাক খেলে ইউটিউব এইবিলাক চাই তোমালোকেও তোমালোকৰ মাজৰ বহুতে সকলোৱে বুলি মই কোৱা নাই বহুতে তোমালোকেও চোৱা মোবাইল কিন্তু তোমালোকৰ যদি ভৱিষ্যতলৈ নিজৰ জীৱনটো ঠিক কৰিবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে মোবাইলৰ পৰা দূৰত থাকিবা। বাহিৰত যিবিলাক খেল আছে ফুটবল ক্ৰিকেট দৌৰ এইবিলাক খেল নিয়মিতভাৱে সদায় তোমালোকে খেলিবা আৰু তাৰ ফলত কি হ'ব তোমালোকৰ স্মৃতি শক্তি বাঢ়িব খাবলৈ মন যাব টোপনি ভাল হ'ব আৰু যেতিয়া মানুহৰ টোপনি ভাল হ'ব স্বাস্থ্য ভালে থাকিব তেতিয়া তোমালোকে পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰিব পাৰিবা পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টো ভাল হ'ব। আজিকালি কি হয় তোমালোকে গম পাইছা নাই স্মৃতি শক্তি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কমি গৈছে যে কিয় এই মোবাইলৰ কাৰণে টিভিৰ কাৰণে টিভিতকৈও বেছি মোবাইলত তোমালোকে লাগি থাকা তোমালোকৰ বহুতেই সকলোৱে নহয় বহুতেই মোবাইলতে লাগি থাকা। গতিকে এতিয়াৰ পৰা নিজে এটা সংকল্প ল'বা যে মই দিনত 15 মিনিট মোবাইল সময় মোবাইল চাব লাগে মোবাইলো চোৱা 15 মিনিট চোৱা খেল খেলা আধা ঘণ্টা অকণমান স্কুলৰ পৰা আহি ৰেষ্ট লোৱা তাৰপিছত পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰা। আশা কৰোঁ কথাখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক উপকৃত কৰিছে আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা কিবা যদি তোমালোকৰ বুজি নোপোৱা আছে কমেণ্ট বক্সত সুধিবা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ এই পাত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা তেওঁলোকেও বুজি পাওক খেলটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে কিমান উপকাৰী কিয় আমি খেলিব লাগে সকলোৱে বুজি পাওক তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে হওক বা দাদা বা যদি কোনোবা বেছিকৈ মোবাইল চোৱা আছে বা তোমালোকৰ ভাইটি ভণ্টি কোনোবা যদি বেছিকৈ মোবাইল চায় তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা তেওঁলোকেও কথাবিলাক বুজি পাওক সকলোৰে ভাল হওক আৰু লগতে মোৰ আজি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।